अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है। बाड़े में रहते हुए बच्चे बच्चों में लड़ाई हुई थी, आके औरतों में हो रही थी लड़ाई, आके हमारा खलेरा भाई रॉडी चीटर है, लाके चाकू से सर पे मार दिया मेरे को और हमारे घर वालों को, मार के मुंह फोड़ दिया। सोहेल नाम है, हसन नगर में रहते हम, एक जगह रहते हैं, जोरू मिलके और साली मिलके, सोहेल मिलके तीन जने मारे। बच्चे क्या है? बच्चे बच्चे बच्चों में लड़ाई हो गई, सो ही बच्चे बच्चों में आके मार दिए सोनू। पुलिस कंप्लेंट करे? जी हाँ, पुलिस कंप्लेंट करे बहादुरपुरा पीएस में। देख दाखने को जाके आए बात बात करते बिल्कुल। सात पुलिस वालों को भी हॉस्पिटल को नहीं भेजा है, माई और हम दोनों चाहे घर से यहाँ से हॉस्पिटल को आके जो आप ट्रीटमेंट कराए, खून जा रहा है, सर में दर्द बहुत हो रहा है। जी हाँ, मेडिकल रिपोर्ट हो गया। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं हसन नगर में रहता हूँ। ये लोग बच्चे बच्चों में लड़ाई हुई थी, मैं घर को आया था काम पे से, मैं घर में बैठे हुए बच्चे बच्चों की लड़ाई हुई तो सोहेल की जोरू और हमारे घर वाले दोनों भैजा कर ले रहे थे बच्चों के वास्ते। मैं घर में बैठ के खाना खा लेते खा बैठे हुआ था, उतने में मैं दोनों को समझा रहा हूँ तो उतने में सोहेल उधर से आया, गाड़ी थोड़ी देर रखा, मैं दोनों को समझा रहा हूँ, उनके घर वालों को भी समझा रहा था, मेरे घर वालों को भी समझा रहा था। सोहेल हसन नगर में रहता, उन्हें भी रॉडी शीटर है, मैं भी रॉडी शीटर हूँ। और अपने क्या बोलते हो, तकरीबन 9-10 साल से मेरा कुछ भी केसेस नहीं है, क्या भी नहीं है, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। 2010 से 2000 अपने क्या बोलते हो 13 से काम पे जाता हूँ, सब छोड़ छुड़ा के, ना इसमें हूँ ना मैं किस में भी कहीं में भी नहीं हूँ। वजह क्या है लड़ाई होने? वजह कुछ भी नहीं है, बच्चे बच्चों में लड़ाई हो गई है, बच्चे बच्चे खेल रहे थे तो बच्चे बच्चे खेलने में क्या हो गया, इन्हें उनकी बच्ची हमारे बच्चे को मारी थी तो उसमें लड़ाई हो गई। तो सोहेल की साली है समीना बोल के, सोहेल की जोरू का नाम क्या नाम है शाबाना नाम है, बोला दोनों बहना एक ही उसमें रहते तो बच्चे बच्चों में लड़े हुई। नहीं कुछ दुश्मनी नहीं है, ये क्या हो जाता बच्चे बच्चों में लड़े होती तो समीना क्या करती, कुछ देखती नहीं करती नहीं, सब मैं देखी करी ऐसा वैसा बोल के। नहीं समीना कौन है आपकी? हाँ बाड़े में रहती। अच्छा। बाड़े में रहती हूँ हसन नगर में, सब छोड़ दिया, मैं इज्जत से जी रहा हूँ, तकरीबन 2014 से 15 से इज्जत से जी रहा हूँ, ना किसके नाम पे नहीं धाम पे नहीं, दो छोटे बच्चे हैं मेरे, वो लोगों को देख के जी ले रहा हूँ, सुबह गया तो शाम में चाहता हूँ, शाम की टाइमिंग नहीं है, गिलास फिटिंग का काम करता हूँ मैं। पुलिस वालों से कुछ अपील नहीं है, पीएस को गए थे कंप्लेंट लिखाने, पीएस को गए थे कंप्लेंट लिखाने तो बोला क्या करें, मेरी जोरू को यहाँ सर पे मार था, ऐसे खून जा रहा, मेरे को यहाँ होठ पूरा फट गया, टाके दले मेरी जोरू को भी दले, ना पीएस से इससे ही ना जवान को भिजाए ना सर्कल साहब कोई भी नहीं भिजाए, आप लोग जाओ चांद मीनार को उस्मानी हॉस्पिटल को देखो, रिपोर्ट लिखाले ग्लूकोज लगाए, हमारे घर वालों के भी रिपोर्ट वो सब लिखाले। हाँ बहादुरपुरा पीएस है। और सोहेल क्या करा, गाड़ी मैं दोनों को समझा रहा था, हमारे घर वालों को उनकी जोरू को दोनों को समझा रहा हूँ, तो सोहेल क्या करा थोड़ी देर ठहर के नहीं देखा, देख के क्या करा मेरी जोरू के गर्दन में हाथ डाल के नहीं ढकल के क्या करा, मैं समझाने मुझे मेरे को आगे यहाँ से मार दिया, हाथ में उसके क्या की कड़ा क्या था कि उससे मार दिया, मारते ही मेरी जोरू को भी ऐसे ही मारा, जोरू को हाँ कंप्लेंट कर दिया। अब क्या है कि वहाँ से तो कंप्लेंट दे दे के यहाँ भिजा दिए बोला, ना कोई जवान आया ना कोई आया, मैं इज्जत से मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सब छोड़ छोड़ा के नहीं जीने दे रहे, नहीं जीने दे रहे,
क्या करना, मर जाना, कुछ भी कर लेना, दो छोटे छोटे बच्चे बस उतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं। ये क्या करा, ठहर तेरी माँ की चूत, वो बोल के नहीं घर में घुसा, चाकू निकाल के लाया। उतने में क्या करा, जोरू को बिठा लेके नहीं, हमारे घर वालों को बिठा लेके बहादुरपुरा पी एस को आ गया। उसकी जोरू और उसकी साली दी चाकू, और वो लोगों घर में रहते चाकू।